और वेलकम। आज 4 मई की क्लास में आफ्टर संडे होता है मंडे। आज की क्लास में आप जानते हैं ई गवर्नेंस का क्लास का दूसरा लेक्चर है। आज मैंने एक क्लास की सूचना के लिए जब डाला था फेसबुक में, तो उसमें ई एग्रीकल्चर की बात कही थी। आजकल देख रहे हो, कल भी बारिश हुई, यहाँ तो हुई और किस इलाके में हुई आप लोगों को थोड़ा जहां जहां से हुई होगी आइडिया तो है। किसानों की उपज किस तरीके से मतलब जो घर आनी चाहिए अनाज, कहीं कहीं गेहूं आज खेतों में होंगे तो उनके लिए नुकसान हो रहा है। सरकार जो मुआवजा देखते होंगे कि जब गेहूं में नमी आ जाती है तो पहले 50% नमी पर ही खरीदारी होती थी। मोदी सरकार के शासनकाल में, पिछले ही शासनकाल में 33% की नमी पर खरीदारी भी 33 से 50% होगी। पहले 33% थी, 50% की नमी पर भी खरीदारी, यानी गेहूं में आधे नमी हो तो खरीदारी कर लेती सरकार, लेकिन उसके आगे हो तो वो किसान के लिए मुसीबत है। और जिस तरीके से मैंने देखा पिछली बारिश में प्रॉब्लम्स रही है, उस हिसाब से तो कुछ किसानों के लिए दिक्कत का विषय रहा होगा। तो ई एग्रीकल्चर भी इसका एक पार्ट है, जैसे हम ई सर्विस कहते हैं। देखिए, जब अनाज की बिकवाली, ई मंडी, ई सुविधा, ई व्यवस्था, ई खरीदारी, ये तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एक ऑनलाइन गवर्नेंस को बूस्ट अप करते हैं, लेकिन किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजों में ई को लेकर के अभी उतने एक कह सकते हैं कि स्मार्ट बिहेवियर नहीं आया। और चुनौतियां जो है एक प्रकार से कहा जाए तो भी मंडी में भी है, बिकवाली में भी है, लेन देन में भी है। गन्ना किसानों के मामले में तो आप ये बाकायदा समझ सकते हैं कि ये दिक्कतें जो हैं आमतौर पर किसानों के हिस्से में अभी भी काफी मात्रा में सुधार की आवश्यकता है। ई व्यवस्था को प्राप्त करना एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अधिक अभी काम करने की जरूरत है। तो जो आज हमने थोड़ा सा ये, चूंकि फेसबुक पे हमने लेक्चर की सूचना में ई एग्रीकल्चर पे मैंने कभी लेख लिखा था, तो उसको मैंने डाला था कि ई गवर्नेंस की बात चल रही थी, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को थोड़ी हो, तो आप लोग ई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो मेरा लेख है व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं क्लास के बाद उसको एक दूसरी कॉपी डाल दूंगा। देखिए, ई गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस हमेशा एक व्यापक शब्द है। गवर्नेंस एक बड़ा शब्द है, सरकार छोटा शब्द है। देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नेंस और सरकार एक ही है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन जो हमारी बॉडी है उसको ध्यान में रख करके देखा जाए तो जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो गवर्निंग कह लीजिए, गवर्न करने वाली जो इकाई है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से काम लेती हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा डायमेंशन है। कृषि विभाग का कोई अधिकारी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा डायमेंशन है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई है, उसका अलग डायमेंशन है। तो जितने भी सरोकार से जुड़े गवर्नेंस के मुद्दे हैं, सोशल एस्पेक्ट से जुड़े हैं, पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हैं, उन सभी को लेकर के जो चुनौती होती है उसको आफ्टर ऑल हल गवर्नेंस को ही करना पड़ता है। तो गवर्नेंस कितना चौकन्ना है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, सुपरविजन को लेके, कंट्रोल को लेकर के, और उस पर उसकी पूरी की गई लायबिलिटी के बारे में, उसकी पारदर्शिता को के साथ बात को समझने को लेकर। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो ई है, ऑनलाइन जो है, ये काफी कुछ तैयार कर देता है ऐसे कामों को करने के लिए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जैसे किसानों के खाते में पैसा डालना ई गवर्नेंस है, और इसमें तनिक मात्र भी कोताही नहीं है। पारदर्शिता पूरी तरह है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह है, कॉन्टिन्यूटी पूरी तरह है, ऑनलाइन सर्विस दिख भी रही है, अकाउंटेबिलिटी भी दिख रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, सेंसिबिलिटी भी दिख रही है,
तो ये सारी चीजें और एक खुला दृष्टिकोण भी दिख रहा है, तो ये तमाम चीजें ये तय कर रही हैं कि जो सरकार है वह एक बेहतर गवर्नेंस की ओर है, और बेहतर गवर्नेंस को और बेहतर करने में ई गवर्नेंस जो ऑनलाइन सर्विस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो भी इसमें चीजें होंगी, प्रॉफिट की बात होगी, स्मार्ट गवर्नेंस की बात होगी, इसके जो विशेषता है, जो इसके महत्ता है उसको ध्यान में रखकर, और डिजिटल इंडिया की बात होगी, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें, और इतना ही नहीं है आगे भी मैं बात करूंगा, जैसे ग्राम प्रशासन की बात करूंगा, तो क्या ई गवर्नेंस ने गांव को सुधारा है। ये तमाम जितनी चीजें हैं यह इस बात का संकेत करती है कि कहीं ना कहीं ई सर्विस या ई जो सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक जो सुविधा है, वह चीजों को बहुत तेजी से हर क्षेत्र में बदलाव ला रही और उसके अंदर एक अच्छा सुधार के साथ लोगों को एक अच्छी व्यवस्था दे रही है। इसी में एग्रीकल्चर भी है, इसी में चाहे मनरेगा की योजनाओं को देख लीजिए, इसी में चाहे ऑनलाइन बैंकिंग को देख लीजिए, इसी में चाहे ई टिकटिंग को देख लीजिए, चाहे इसी में ई शॉपिंग को देख लीजिए, ई व्यवस्था को देख लीजिए, ई सुविधा को देख लीजिए, किसी भी तरीके के ई को इसमें जोड़ करके इसको सुगम, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ई एजुकेशन को देख सकते हैं, ई कोचिंग को देख सकते हैं, ई कॉम्पिटिशन को देख सकते हैं, ई लर्निंग को देख सकते हैं, तो इस तरह बहुत सारे कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम है वो भी ई फॉर्मेशन में है। आजकल यूजीसी की गाइडलाइन पे जिन यूनिवर्सिटियों के एग्जाम ने, उनके एग्जाम भी ई फॉर्मेशन पे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ई एग्जाम ले रहे हैं। तो ये सभी ई चीजें मिल करके देश में जो रुकावटें थी, जो समय ज्यादा लगता था, जो व्यवधान थे, जो प्रावधानों की समस्याएं तमाम तरीके की आ जाती थी, जो मैनुअल में जो कठिनाइयां थी, वो इस विधा से तीव्रता आई है, इफिशियंसी बढ़ी है, लोगों के अंदर एक गट्स भी आया है, क्योंकि उनको घर बैठे तमाम तरीके की सुविधाएं मिली। और इसका पर्टिकुलर एक आस्पेक्ट यह भी है कि इसका हमारे जीवन में एक चढ़ाव भी आया, एक ऊंचाई भी आई। लेकिन बच्चा एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी हर चीज का सिर्फ पॉजिटिव ही पक्ष नहीं होता है। ई गवर्नेंस का केवल पॉजिटिव ही पक्ष नहीं है, इसके कई नकारात्मक, या यूं कहा जाए इसके कई आलोचनात्मक, या दूसरे शब्दों में कहें इसकी भी सीमाएं हैं। ये असीमित इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे सर्वर ऐसे होते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे होते हैं। मुझे ठीक से याद है कि आज से 10-12 साल पहले जब थाई सैटेलाइट से भी काफी न्यूज चैनल यहाँ चलते थे, थाई कॉम वगैरह ऐसा कुछ बोला जाता था, तब भी उसमें ये रहता था कि न्यूज जाएगी फिर वहां से ट्रांसफर होके आएगी, तो ये डेटा कहीं लीक ना हो जाए, दूसरे देशों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विस देते हैं लोग, डिफेंस की भी न्यूज देते हैं, फॉरेन की भी न्यूज देते हैं, इनर पॉलिसी की भी न्यूज देते हैं। तो अगर हम किसी दूसरे ट्रांसपॉन्डर पर या किसी अन्य तरीके के इंस्ट्रूमेंट पर आधारित रहेंगे जो दूसरे देश के हैं, तो डेटा लीक होने के जो खतरे होते हैं, और ये देखे होंगे फेसबुक हो, डेटा लीक हुआ जिसपे जुकरबर्ग को लेकर देखिए उस पर कितने केसेस वगैरह हुए, मानहानि हुआ उस करोड़ों का, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया। तो जो डेटा, जैसे आप फेसबुक पर डेटा डालते हैं, वो डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आपके वॉल पे ही है या कहीं और चला गया है, उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, तमाम तरीके की जो ई सिस्टम में या ई सुविधाओं में, ई व्यवस्थाओं में, ई परिप्रेक्ष्य में, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ में, ऑनलाइन संदर्भ में केवल पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत सारे इसके इफेक्टेड पार्ट भी हैं, लिमिटेड पार्ट भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है, और ये हर हाल में हर जगह पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनके दोनों पक्षों की हम चर्चा करेंगे, और इसको मतलब कई मायने में बड़ा व्यापक बनाएंगे। तो आपका जो सवाल होगा, जब 10-15 सवाल इसमें से आप कर लेंगे, लिख लेंगे अलग अलग बिंदुओं पे, तो आने दीजिए आईएएस पीसीएस की परीक्षा, है ना। जब लिखना आप जान जाएंगे, इसको बताना जान जाएंगे, तब आप इसको समझिएगा कि इसमें आप पूरा तरह से आपकी योद्धा जो है का जो परिप्रेक्ष्य निहित हो गया है। आगे
जैसे हमने बोला।